हेलो एवरीवन, अगेन यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन माय चैनल। सो अभी तक हम लोगों ने क्लास एट्थ का यूनिवर्स चैप्टर में क्या क्या पार्ट कवर कर लिया है, स्टार्स कवर किया है और कॉन्स्टिलेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो हम अब इस वीडियो में हम मून के बारे में जानेंगे और फेजेस ऑफ मून के बारे में जानेंगे और सन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मून के बारे में पहली बात तो ये जान लीजिए कि मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। और जैसे हमारा सन है तो सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, इसी तरीके से हमारा अर्थ है उसके रिवॉल्व मून मतलब उसके अराउंड मून रिवॉल्व करता है, ठीक है, उसके अराउंड मून रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो आगे हम बात कर लें तो जितनी भी हेवनली बॉडीज स्काई में हैं उनमें से जो मून है वो अर्थ के सबसे नियरेस्ट है, अर्थ के सबसे नियरेस्ट है। अभी जब हम लोगों ने स्टार्स की बात की थी तो हम लोगों ने बात की थी कि अर्थ से स्काई इतने दूर, अर्थ से स्टार्स इतने दूर हैं कि वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन वो साइज़ में क्या हैं, बहुत बड़े हैं, ठीक है। और आपका जो अर्थ है, जो मून है, वो हमारे से मतलब अर्थ से नियर है, तो इसीलिए वो हमें साइज़ में थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। जो मून का जो साइज़ होगा, मून की जो साइज़ होगी वो अर्थ के 1/4 पार्ट होगी। वन फोर्थ पार्ट जो है अर्थ का, उतनी साइज़ मून की है। और अगर हम ग्रेविटेशनल पुल की बात करें, ग्रेविटेशनल पुल की वो जो गुरुत्वाकर्षण होता है जिसे आप कहते हैं ना, तो ग्रेविटेशनल पुल वहाँ पर कैसे है, तो जो वन सिक्स ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ पे, ठीक है, वो आपका हो जाएगा उतना मून पे, ठीक है। तो इट्स ग्रेविटेशनल पुल इज 1/6 दैट ऑफ अर्थ, ठीक है, 1/6 पार्ट होगा अर्थ का, ओके। वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं है, वाटर नहीं है, जो कि हमें सर्वाइव करने के लिए चाहिए। ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत है? एयर की, वाटर की, सॉइल वगैरह, मतलब सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट कर पाएंगे या सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पर ना ही एयर है ना ही वाटर है, तो वहाँ पर लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़, आप देखते होंगे कभी कभार, अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा हो तो जो मून है, कभी आप उसे बहुत ध्यान से देखिए, फुल मून जब होता है तो आप देखते होंगे उसमें कुछ पैचेस दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ पैचेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे डार्क, फिर डिम हो गया है, फिर ये जो डार्क पैचेस दिखाई दे रहे हैं ये ऐसा क्या है? कभी कभार हम लोग को लगता है कि कुछ ड्रैगन टाइप का दिख रहा है, या आप कोई भी शेप आप बना सकते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो कैसे कुछ शेप टाइप का बना लेते हैं ना, कि ये यहाँ पर ऐसा शेप दिख रहा है, ये इसका माउथ है या ये वो है, ठीक है। तो वो कुछ अलग सा नहीं होता, जो मून का जो सरफेस है, ठीक है, मून का जो सरफेस है वहाँ पर बहुत सारे क्रेटर्स, माउंटेन्स और डर्ट है, मतलब कि जो वो पूरी डर्ट से क्रेटर्स, मतलब बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, जिसकी वजह से वो हमें इस तरीके का वो दिखाई देता है, ठीक है। जब एस्ट्रोनॉट्स ने वहाँ पर अपने जब एस्ट्रोनॉट्स ने मून पे लैंड किया था, तब उन्होंने बताया था कि ये जो डार्क पैचेस हैं वो इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ पर जो हमारा मून है, ठीक है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, बहुत गड्ढे हैं, मतलब आपकी जो ज़मीन है वो पूरी तरीके से प्लेन ज़मीन नहीं है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डर्ट है, तो इसीलिए वो हमें इस तरीके के दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आगे चलें तो जो मून है, अगर उनमें दिन की बात करें, ठीक है, तो वो दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्म रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म, और आप कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस आपका वहाँ का टेम्परेचर रहता है। लेकिन अगर वहाँ नाइट की बात करें तो बहुत ज़्यादा कोल्ड, -168 डिग्री के आसपास, मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड। दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्म और रात में बहुत ही ज़्यादा ठंडा, तो इस तरीके का वहाँ का टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। तो उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, अभी हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तब भी बताया था कि उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। वो क्या करते हैं, उनको सन से जो लाइट मिलती है, ठीक है, उनको जो सन से लाइट मिलती है वही वो रिफ्लेक्ट करते हैं अर्थ पे हमारे तक, ठीक है। इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, दे टेक लाइट फ्रॉम द सन एंड दे आर नॉन ल्यूमिनस बॉडी। व्हाट दे आर? मून आर नॉन ल्यूमिनस बॉडी, मतलब इनके पास, नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है जिनके पास खुद की लाइट ना हो, ठीक है। तो इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडी। सो इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट, इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट टूवर्ड्स अस, ठीक।
इनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। और डार्क पैचेस के बारे में बता ही दिया कि वो जो डार्क पैचेस दिखाई देते हैं वो ऐसे क्यों दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ है इसमें कि जो मून है वो आपका ऐसा हेवनली बॉडी है, यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसा हेवनली बॉडी है जिस पर ह्यूमन बीइंग्स ने लैंड किया हुआ है। लेकिन अगर हम रीसेंट बात करें, क्योंकि ये जब बुक पब्लिश हुई होगी तब वो ऐसा नहीं हुआ होगा, अगर हम रीसेंट की बात करें तो मार्स पे भी ह्यूमन बीइंग्स लैंड कर चुके हैं। ठीक है, मार्स पे भी ह्यूमन बीइंग्स लैंड कर चुके हैं। और अगर हम मून की बात करें तो मून पे सबसे पहले किसने लैंड किया था, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड वन मोर एस्ट्रोनॉट वॉज देयर एल्ड्रिन। ठीक है, एल्ड्रिन तो पहला पैर इन्होंने रख दिया था, तो इसीलिए पहला पैर इन्होंने रख दिया था तो इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। वैसे वहाँ पर दो एस्ट्रोनॉट गए थे, एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला अपना पैर रखा था, तो इसीलिए कहा जाता है कि मैन फर्स्ट लैंडेड ऑन मून वॉज आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इन्होंने अपोलो 11 से, ठीक है, जैसे आप देखते होंगे जो स्पेस वहाँ पे जाता है, जो स्पेसशिप वहाँ पे जाती है उसका अलग अलग नाम होता है, जैसे चंद्रयान आपने नाम सुना होगा, ठीक है, आर्यभट्ट सुना होगा, तो इसी तरीके से अपोलो 11 से ये लोग वहाँ पर लैंड किए थे। कब? 20 जुलाई 1969 में इन्होंने वहाँ पर लैंड किया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फेजेस ऑफ मून की। अब ये फेजेस ऑफ मून क्या है, क्यों अकर होता है? तो देखिए, जैसे कि ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड ये पूरा जो हमारा मून है वो रिवॉल्व करता है, तो जैसे जैसे इसके ऊपर सन की लाइट पड़ती रहती है वैसे वैसे वो फेजेस हमारे तक वो दिखाई देते हैं। ठीक है, अदरवाइज बाकी सारे फेजेस हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है न्यू मून डे है, मतलब कि यहाँ पर आपको बहुत ही छोटा सा, या आप कह सकते हैं कि कोई मून दिखाई नहीं देगा आपको। ये है आपका फुल मून डे, पूरा मून आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी मून नहीं दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर धीरे धीरे ये स्टार्ट होता है, न्यू मून डे होता है, फिर क्रेसेंट जब हल्का सा मून दिखाई देगा, फिर हाफ मून दिखाई देगा, फिर ये आपका और थोड़ा सा ज़्यादा गिब्बस, फिर फुल मून, फिर ये रिवर्स मोशन में चलता है। ठीक है, जब ये फुल मून डे आ जाएगा तो फिर आपका गिब्बस, फिर हाफ, फिर क्रेसेंट, फिर न्यू मून डे, इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो ये ऐसा कब होता है, जैसे जैसे उनके सन के जो लाइट है, सन की जो रेज हैं हमारे मून पे पड़ती जाती हैं, तो वो वैसे वैसे हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, वैसे वैसे हमें उनके जो वेरियस शेप्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं। सनलाइट जिस पे फॉल करेगी हमें उतना ही पार्ट दिखाई देगा। ठीक है, सनलाइट जितने पे फॉल करेगी हमें उतना ही पार्ट दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम, और इसका अलग अलग शेप्स भी इसीलिए देखने को मिलता है। ठीक है, मान लीजिए केवल इतने पे दिखाई दे रही है, इतने पे रेस पड़ रही हैं तो हमें उतना ही दिखाई देगा, इतने पे रेस पड़ रही है तो हमें इतना ही दिखाई देगा। ठीक है, सो द वेरियस शेप्स ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। ठीक है, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जब, क्योंकि उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है तो ये सन से लाइट लेते हैं, और जैसे जैसे उनके ऊपर लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें वो पार्ट जो है वो शाइन करता हुआ या ब्राइट हमें वो पार्ट दिखाई देता है। फुल मून डे में क्या होगा कि पूरा हमें डिस्क, पूरा मून दिखाई देगा, फुल मून दिखाई देगा, और न्यू मून डे पे मून हमें विजिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो जो आप कह सकते हैं, तो विजिबल एरिया ऑफ सनलाइट पोर्शन इंक्रीजेस एंड द मून इज सेट टू बी ग्रोइंग और वैक्सिंग व्हेन विजिबल सनलाइट फ्रॉम फुल मून डे बिगिंस, और फिर धीरे धीरे वो रिड्यूस होता जाता है ईच डे। फिर जैसे देखिए यहाँ फुल मून डे हुआ, फिर ये रिड्यूस होता चला जाएगा। तो ये जो मून, जो फेजेस है, द मून एट दिस फेज इज सेट टू बी वैनिंग, इस फेज को हम लोग क्या बोल देंगे, वैनिंग। तो ये इस पूरे प्रोसेस को 15 डेज आप कह सकते हो इसको करने में लगता है। ठीक है, न्यू मून से फुल मून आने में, फिर फुल मून से आपका वहाँ तक जाने में, आपका न्यू मून तक जाने में आपका वो आपका 14 डेज आप मैक्सिमम कह सकते हो लगता है। तो आपका टोटल जो टाइम पीरियड लगता है वो 29.5 डेज लगते हैं मून को एक चक्कर, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ का। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द फेजेस ऑफ मून। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा टेबल है, उसे देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है।
और वन मोर थिंग, फेजेस ऑफ मून पूछा जा सकता है कि ये फेजेस ऑफ मून क्यों हैं भाई, क्यों कॉज होता है, वाई फेजेस ऑफ मून आर कॉज्ड, बिकॉज जो सन की रेज है, ठीक है, जैसे जैसे द सनलाइट फॉल्स ऑन इट गेट रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स अस एंड दैट्स वाई दे चेंजेस देयर शेप्स, और इसीलिए जो हमें जो हम मून का फेजेस है वो दिखाई देता है, ठीक है, या कॉज होता है। अब यहाँ पर ये दिखाया गया है एक टेबल, जैसे पूरे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो यहाँ पर सन है, प्लैनेट्स हैं, अदर सेलेस्ट्रियल बॉडी हैं जिनके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आपका सन है, सन तो आपका पूरे सोलर सिस्टम का हेड है, ठीक। फिर प्लैनेट्स में आपका इंटरनल प्लैनेट्स आते हैं, एक्सटर्नल प्लैनेट्स आते हैं। इंटरनल में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आएगा, ठीक। एक्सटर्नल में जूपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो भी आता है। प्लूटो नाउ प्लूटो इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आर सोलर सिस्टम, और प्लूटो इज़ ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है, सबसे छोटा प्लैनेट इसे कहा जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक। अब बात कर लेते हैं, अब वन मोर थिंग वॉज देयर ना, हाँ, अदर सेलेस्ट्रियल बॉडी, अदर सेलेस्ट्रियल बॉडी में आपका एस्ट्रॉइड्स आ जाता है, कॉमेट्स आएगा, मीटियोर्स आएगा और सैटेलाइट्स आएंगे, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में जब अदर सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब सन क्या है, सन क्या है, दिस इज़ द हेड ऑफ़ द सोलर सिस्टम, ठीक है, हेड ऑफ़ द सोलर सिस्टम। अब जैसे आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में कोई एक पर्सन हेड होगा जिसकी बात सारे लोग सुनते होंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा सन है वो सोलर फैमिली का, सोलर सिस्टम का हेड है, ठीक है, जिसके अराउंड पूरे के पूरे आठों के आठों प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो आठों प्लैनेट्स का नाम लिया गया है, ये पूरे के पूरे उसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे, चक्कर काटेंगे, घूमेंगे, ठीक है। तो जो सन है उसमें जो 3/4 पार्ट है जो सन का, उसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और 1/4 जो पार्ट है सन का उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट है, हीलियम प्रेजेंट है, ठीक है। अदर अगर उसमें अदर भी चीज़ें मौजूद हैं स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और आयरन, आयरन भी प्रेजेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब सन की रेज यहाँ अर्थ पे पड़ती हैं और प्लांट्स पे पड़ती हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको ग्रो करने में हेल्प करती हैं, हमारे प्लांट्स को, हमारे सॉइल को भी फर्टाइल बनाती हैं, ताकि वो क्योंकि उन्हीं से हमारे पेड़ जो हैं काफ़ी सारे न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और आयरन वगैरह की बात हो रही है, ठीक है। तो जो सन है हम लोग इसे स्टार बोलते हैं, आप कह सकते हो हॉटेस्ट स्टार, आग का गोला, हॉटेस्ट स्टार बोलते हैं ना। तो इट अपीयर्स बिगर एंड ब्राइटर, क्यों ऐसा हमें दिखाई देता है बिगर और ब्राइटर, बिकॉज वो अर्थ से नियरर है, पास है, दैट्स वाई, ठीक है। और जो स्टार्स हैं वो हमसे काफ़ी दूर हैं, इसलिए वो हमसे हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द सन। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें, डेटा अब प्लैनेट्स के बारे में बताए गए हैं, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ मून्स की बात करें, तो अगर आप अभी नेट पे अगर आप सर्च करो तो अब थोड़े बहुत चेंजेस आ गए हैं इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ मून्स में कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है। अब धीरे धीरे और जब डिस्कवरी होती गई है और इन्वेंशन होते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे और चीज़ें सामने आती चली जा रही हैं, तो आप इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देख सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस बताया गया है सन से मरकरी का डिस्टेंस कितना है, और फिर किलोमीटर में कितना है, और जो टाइम लगता है उनको रोटेट करने में अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, तो ये बताया गया है। और टाइम टेकन टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ये अबाउट एक्सिस है, मतलब अपनी ही एक्सिस पे, और ये रिवॉल्व अराउंड द सन कितना समय लगता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो ये चीज़ें आप लोग को देख लेनी है, ठीक है। सो जो अभी मैंने बताया था अपोलो के बारे में, दिस वॉज रिटन हेयर। अब ये सोलर सिस्टम है, ये पूरे आपके प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे दिया है द लूनर मॉड्यूल ऑफ अपोलो 11 कॉल्ड ईगल लैंडेड ऑन मून ऑन 20th July एंड नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो टॉपिक्स कवर किए अपने, सन और मून। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द प्लैनेट्स, ठीक है। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। See you in the next video. Thank you.